हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीना 36, कमर 33, गला 6 और बैक साइड का 9 इंच, लंबाई 13 इंच, स्लीव्स की लंबाई 5 इंच और चौड़ाई 13 इंच। इस नाप का कटोरी ब्लाउज कैसे कट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो कटोरी ब्लाउज के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे पेपर कटिंग कर लिया है। यहाँ पे कटोरी भी बढ़ाया है, ये है पहले वाला कटोरी और इस हिसाब से हमने ये दूसरा वाला कटोरी बढ़ाया है। ये बैक साइड है, कटोरी के साइड का हिस्सा है और ये है क्रॉस पट्टी। अब इन पेपर्स का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे ब्लाउज कटिंग करने वाले हैं। यहाँ पे हमने ये जो ब्लाउज पीस है उसकी ऐसे डबल फोल्ड कर दी है ताकि जो गला है वो गला पूरी तरह से आ जाए, इसमें कटिंग ना हो कहीं पे भी। अब ये है बैक साइड। बैक साइड की ये जो सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन और ये ब्लाउज पीस की सेंटर लाइन दोनों एक जैसे हमें एक के ऊपर एक रखना है। इसके बाद ये है कटोरी के साइड का हिस्सा। अब हम कटोरी जब भी कटिंग करेंगे उस समय हमें एक सावधानी बरतनी है, जो कि ये जो गले के दो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट हमें एक जैसे इतना सीधी लाइन जो है धागे की वहाँ पे हमें लेनी है, ताकि ये जो हिस्सा है गले का ये कहीं से भी स्ट्रेच ना हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कपड़ा जो है स्ट्रेच हो रहा है यहाँ से, अगर हम यहीं से करें तो। लेकिन अब हम यहाँ पे सीधा अगर उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो स्ट्रेच नहीं होगा, इस हिसाब से हमें ये कटोरी को बनाना है। अब उसके बाद है ये क्रॉस पट्टी। अब ये पेपर को बाहर की साइड से हम मार्किंग कर देते हैं। ये हमने पूरी तरह से ड्रॉ कर दिया है, अब हम इस मार्किंग पर कट कर देते हैं। ये हमने सभी पार्ट्स कट कर दिए हैं। अब इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। स्लीव्स कटिंग करने के लिए हमें ये जो ब्लाउज पीस है उसकी 4 बार फोल्ड करनी है, यानी कि एक बार ऐसे की हमने तो ये जो कपड़ा है वो डबल हो गया। अब इसके बाद हम और एक इसकी फोल्ड करेंगे 2 बारा, तो ये जो कपड़ा है वो कुछ इस तरह से आएगा ऐसे। और यहाँ पे हम स्लीव्स का नाप लेंगे। स्लीव्स की हाइट है 5 इंच, तो इसमें आधा इंच मिलाकर 1.5 इंच पर मार्किंग करते हैं। ये 5.5 इंच लंबाई का हम यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं। इस तरह से। अब ये जो ओपन साइड है, ओपन साइड की तरफ से हमें 1.25 इंच पर एक मार्किंग करना है, यहाँ से 1.5 इंच पर एक मार्किंग करना है ताकि फिटिंग के समय कुछ ऊपर नीचे ना आ जाए। और आधा इंच से और एक राउंड बनाना है। अब ये हो गया स्लीव्स का आकार जो अब हमें कट करना है। सभी पार्ट्स कट करने के बाद वो कुछ इस तरह से दिखेंगे। तो आज हमने बहुत ही आसान तरीके से सीना 36 इंच नाप का कटोरी ब्लाउज कैसे कट कर सकते हैं वो देखा।